नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं जिन्हें मंदिरों में वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत है या जिन्हें जरूरत है। कई ऐसे तीर्थ स्थल होते हैं जहां प्रवेश करने के लिए एक वीआईपी सेक्शन भी बनाया जाता है। जिन्हें कोई समस्या हो या जिन्हें स्पेशल सुविधा चाहिए, वैसे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी ये ट्रीटमेंट आपके जेब से और भी पैसे खर्च करवाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवघर बाबा मंदिर से जो अपडेट सामने आया है वो कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। देवघर के बाबा मंदिर में रोज़ाना देश के विभिन्न हिस्सों से हर तबके के वर्ग के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, जिससे कई ऐसे भी होते हैं जो भीड़ भाड़ और कतार से लगकर पूजा करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए मंदिर में शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था रहती है, जिसके लिए आम दिनों में 250 और विशेष दिनों में 500 रुपये प्रवेश शुल्क निर्धारित रहता है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है। जी हाँ, अब शीघ्र दर्शनम करने वालों का जेब और भी ढीला होने वाला है। जिला उपायुक्त सह मंदिर प्रशासन मंजुनाथ भजंत्री ने आज बाबा मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों और पुरोहित समाज के साथ बैठक कर शीघ्र दर्शनम कूपन की दर बढ़ाने का निर्णय लिया। अब आम दिनों में 250 से 500 और विशेष दिनों के लिए 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा। इस कूपन से प्राप्त होने वाली राशि से मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाएं व्यवस्था कार्यों में लगाया जाता है। इसके साथ ही मंदिर की जरूरतों को देखते हुए एक और पहल की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पवित्र ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग देवघर के बाबा वैद्यनाथ के धाम में स्थित है और मनोकामना लिंग होने के कारण जो है यहाँ आए दिन लोगों की संख्या जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है और इसकी संख्या में भी काफ़ी इफाजा हो रहा है। इन श्रद्धालुओं की ओर से हजारों लाखों लीटर गंगा जल बाबा पर चढ़ाया जाता है। ऐसे में बाबा पर चढ़ाकर निकलने वाला जो ये जल है वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस खास पहल से अब ऐसा नहीं होगा। इस पवित्र जल की बर्बादी ना हो, इसीलिए इसे रिसाइकल कर नीर बनाया जाएगा। जल से नीर बनाने के लिए मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स परिसर में फिल्टरेशन प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है। आज उपायुक्त सह मंदिर प्रशासन ने वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर जानकारी ली। बता दें कि इसी फिल्टरेशन प्लांट के माध्यम से नीर की पैकिंग होगी, जो कि बाबा के प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस नीर जल को प्राप्त करने के लिए न जाने श्रद्धालुओं को कितने सारे प्रयास करने पड़ते थे, मगर अब उन्हें इस नई व्यवस्था के साथ लोगों को आसानी से जल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही उपायुक्त ने विभिन्न विषयों पर लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए। तो इस अब बड़े बदलाव के साथ जो है बाबा मंदिर की सुविधाओं को और बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ जहां निःशुल्क जो आपको वीआईपी एंट्री होती है वहां का शुल्क बढ़ा दिया गया है, दूसरी तरफ जो जल बर्बाद होता है श्रद्धालु जो जल चढ़ाने आते हैं उसे भी बचाने के लिए एक नई पहल की गई है। इसी से जुड़े तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।